और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की तरफ नजर डालते हैं। पिछले दिनों एनएबी थाना अंतर्गत सूर्यनगर क्षेत्र में मिली एक सरकटी लाश मामले में पुलिस ने आज पर्दाफाश कर दिया है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। पुलिस ने चार आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई थी। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चार आरोपियों में बलजीत उर्फ बलजीता, गुरजीत उर्फ बिल्ला और सेंटी उर्फ जसविंदर व हनी उर्फ रवि हैं। दरअसल फिरोज की हत्या के पीछे फिरोज की हत्या के आरोपी सेंटी और हनी की बहनों से अवैध संबंध होने के शक के चलते इन्होंने फिरोज की हत्या करने की योजना बनाई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी तेजस्विनी गौतम ने एएसपी शिवलाल बैरवा, सीओ सिटी विकास सांगवान, आईपीएस ज्येष्ठा मैत्री के नेतृत्व में टीम का गठन किया, जिसमें एसएचओ एनईबी विजेंद्र सिंह, जहीर अब्बास, एसएचओ अरावली विहार सहित एनईबी थाना पुलिस व डीएसटी टीम का गठन कर संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारियां जुटाई गई और आसपास के घरों से पूछताछ की गई। कॉल डिटेल से भी तथ्य जुटाए गए। सभी आरोपी स्मैक का नशा करते थे। हत्या की योजना बनाकर आरोपियों ने फिरोज को बुलाया और शराब व स्मैक आदि का नशा किया, जिसके बाद फिरोज को एक खंडर नुमा सुनसान जगह पर ले गए, जहां उसकी बकरा काटने वाली टांची से उसकी गर्दन काटकर अलग कर दी। पुलिस ने इस मामले में शक के आधार पर वह परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार कि आखिरी समय में फिरोज को हनी के साथ देखा गया था। पुलिस ने हनी व उसके साथ के कुछ अन्य लोगों से बुलाकर सख्ती से पूछताछ की और कॉल डिटेल्स के आधार पर सारा मामला खुल गया। आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने ही फिरोज की हत्या की है। 11 तारीख को सूर्यनगर में एक धड़ से अलग कटी सरकटी लाश हमको मिली थी। कंट्रोल रूम पे सूचना मिली थी, जिसकी आइडेंटिफाई किया गया था फिरोज नाम के एक व्यक्ति के रूप में, जो मुल्तान नगर में रहने वाला था, जिसकी एक मिसिंग रिपोर्ट भी एनईबी थाना क्षेत्र में दर्ज थी। पूरी टीम ने विकास सांगवान सीओ आईपीएस के निर्देशन में एसएचओ एनईबी विजेंद्र सिंह, एसएचओ अरावली विहार जहीर और एसएचओ सदर महेश शर्मा और डीएसटी और साइक्लोन सेल की पूरी टीम ने मिलकर इस पूरे ब्लाइंड मर्डर को सॉल्व किया है। चार व्यक्ति इसमें अरेस्ट किए गए हैं, बलजीत, बिल्ला और गुरजीत, हन्नी और संती। ये चारों ही इसके दोस्त थे, जो जिनके साथ ये बैठकर अक्सर नशा करता था। सेंटी की बहन और हन्नी की कज़न बहन के साथ अवैध रिलेशनशिप होने के कारण इन लोगों ने प्लान्ड वे में इसका मर्डर किया और इसका गला काटा, और फिर जिस जगह पे इन लोगों ने ये मर्डर को अंजाम दिया वो लगभग मौका जहाँ पे ये लाश मिली थी उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर है, और फिर ये लोग ऑटो में रखकर ये लोग वहाँ तक उस लाश को वापस डाल के आए हैं झाड़ियों के बीच में। जिस ऑटो का प्रयोग इसमें किया गया है वो ऑटो भी हमने इसमें बरामद किया है। आरोपियों ने हत्या के बाद शव को पॉलिथीन व बोरे में पैक कर सूर्य नगर में सुनसान जगह पर फेंक दिया। फिरोज की लाश 11 दिसंबर को सुबह 9 बजे सूर्य नगर क्षेत्र में सुनसान जगह पर मिली थी, जबकि उसी की हत्या 4 दिन पूर्व कर दी गई थी। जिस टेम्पो में शव को लाकर पटका गया उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस मामले में फिरोज के परिजनों ने एनईबी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि फिरोज 5 दिसंबर को सुबह 9 बजे बाद से घर से लापता था। एसपी तेजस्विनी गौतम ने प्रेस वार्ता में बताया कि पकड़े गए आरोपियों का सभी का आपराधिक रिकॉर्ड है। इनके खिलाफ अनेकों मामले विभिन्न थानों में चल रहे हैं। इनके पुराने रिकॉर्ड में सभी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हन्नी के खिलाफ कुल 9 मुकदमे दर्ज हैं, आर्म्स एक्ट के, मारपिटाई के, आरपीजीओ के। बलजीत के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं, गुरजीत और बिल्ला के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं और सेंटी के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हैं। सेंटी हमारा ज़िले का 2500 का इनामी भी रह चुका है। तो ये सभी हार्डकोर क्रिमिनल्स थे। प्लान्ड वे में इन्होंने डिसाइड किया था कि इसका मर्डर करना है, और घर वालों ने भी इन्हीं के ऊपर शक जाहिर किया था। उनसे क्लू लेकर और साइंटिफिक एविडेंस को ढूंढते हुए उनसे लेकर और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो मोटिव था उसके फलस्वरूप, और पूरी टीम साइक्लोन सेल, डीएसटी और तीनों थानों की टीम ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए, मेहनत करते हुए
इस पूरी गुत्थी